डियर एसवाईजीएंस, स्किल यूथ गुरुकुल के इस एपिसोड के अंदर हम बेसिकली एक वेबसाइट है माई भारत या मेरा युवा भारत, जो कि एक इंस्टीट्यूट भी है, जो कि 31 अक्टूबर 2023 को इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम जो था वो कर्तव्य पथ इंडिया गेट पर किया गया था। और इस वीडियो के अंदर हम ये जो माई भारत या ये जो वेबसाइट है, ये हमारे देश के जो युवा हैं जिनमें गर्ल्स बॉयज थर्ड जेंडर सभी आते हैं, उनके लिए कैसे बेनिफिशियल रहने वाली है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज या अवसर उनको इस वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट निशुल्क रजिस्ट्रेशन करने के बाद दिए जाएंगे, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। डियर एसवाईजीएंस, आप सभी का स्किल यूथ गुरुकुल के इस नए एपिसोड में स्वागत है। आइए इस वेबसाइट के कंटेंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अमृत भारत यानी युवाओं का भारत, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं की आकांक्षाओं को साकार करने का एक और विजन दिया है, विजन 2047, यानी विकसित भारत का संकल्प, जिसे पूरा करने के लिए देश के सभी युवाओं को आपस में जोड़ने की जरूरत थी। युवा देश के किसी भी क्षेत्र में रहते हों, उनकी आकांक्षा आगे बढ़ने और कुछ कर दिखाने की है, और उन्हें अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए मौकों की आवश्यकता है। युवाओं को चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां वे एक दूसरे से और अनुभवी लोगों से जुड़ सके। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा भाग ले सकते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में जिसमें उनकी रुचि हो, जिसके द्वारा उन्हें व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो सके, जिसके द्वारा वे खुद अपने पसंद के विषय में प्रोग्राम का आयोजन भी कर सकते हैं। इससे निर्माण हो सकता है एक विलक्षण युवा नेटवर्क का। इस सपने को साकार करने के लिए शुरू किया गया है myBharat.gov.in पोर्टल। ये एक ऐसा पोर्टल है जिसमें होगा तेज तर्रार दुनिया का सबसे तेज संचार, नए डिजिटल टूल और अत्याधुनिक तकनीक। माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ देश भर के जिलों में जमीनी तंत्र से भी जुड़ा होगा, यानी कि भारत के युवाओं को दोनों ही माध्यमों से फायदा होगा। आदि को जोड़ सकता है, उनके सामर्थ्य को निखार सकता है, युवाओं में होगा नेतृत्व विकास, तो एक दूसरे से सीधे संपर्क स्थापित कर तकनीकी शिक्षण, नेतृत्व कौशल, स्थानीय व्यवसाय और अनुभव में होगी प्रगति, जहां होगी सरकार, उद्योग और स्थानीय निकाय के साथ निरंतर भागीदारी। सरकार और जन में दी हुई वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो हमारे सामने ये माय भारत की वेबसाइट ओपन होती है, जो कि माय भारत, अगर आप यूथ है तो आपको ये वेबसाइट क्या ऑफर करती है, आपके लिए इस वेबसाइट में क्या है, तो बेसिकली यहाँ पर आप। दूसरा, ये जो वेबसाइट है या ये जो इंस्टीट्यूट है वो पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में इवेंट्स का आयोजन करवाती है, उनको अटेंड करने का मौका, अवसर, जो कि बिल्कुल निशुल्क रहने वाला है, और हमारे देश का युवाओं के लिए सबसे बड़ा उत्सव जो कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव हर साल आयोजित होता है, नेशनल यूथ फेस्टिवल इंग्लिश में जिसे कहते हैं, उसमें भागीदारी करने का, उसको देखने का, निशुल्क वहाँ पर रहने का, आने जाने का खर्चा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा संधारित होता है वो मिलता है। उसके साथ साथ आप जब नो मोर पे करेंगे तो आपको और जानकारी मिलेगी। उसके को चेंज रिक्वायर्स एक्शन, ये यहाँ पर इनका एक स्लोगन है और यहाँ लिखा हुआ है स्टार्ट हियर। तो अभी आप एक बहुत अच्छी सी इमेज भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए करना है तो आपको टैप कर देना है, उसके बाद अगर आपको इवेंट्स के लिए जाना है तो आप इवेंट्स पे टैप कर सकते हैं, आप यहां से अपना स्टेट चूज कर सकते हैं, यहां पर सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं, उसके बाद आप सर्च कर सकते हैं। बट आपको क्या करना है, इस माई युवा भारत की वेबसाइट के ऊपर या myBharat.gov.in की वेबसाइट पर एक बार अपना अकाउंट बनाना होगा। तो अकाउंट बनाने के लिए आपको साइनअप का ऑप्शन करना है, और जिन्होंने अकाउंट बना लिया है वो लॉग इन करके इसके ऊपर अपनी इवेंट्स या एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो अनुभव का सीखने का प्रक्रम है, वो कर सकते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि ये क्या रहने वाला है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको ये वेबसाइट या माय भारत की जो संस्था है इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है। तो आपको एज ए यूथ यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, एज ए पार्टनर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब यूथ के लिए हम इसमें डिटेल्स देखेंगे, तो अगर आप एक भारत के सिटीजन हैं या यंग सिटीजन हैं जिसकी एज 15 से 29 साल है, तो आपके लिए एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है, अपने प्रोफेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं,
और उनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहता है, महत्वपूर्ण योगदान रहता है जो कि देश की ग्रोथ को आगे लेकर जाते हैं। उसके लिए आप यहाँ जरूर रजिस्ट्रेशन करें, यहाँ पर रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आ रहा है। एक बार हम ये वेबसाइट की डिटेल्स देख लें, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे वो भी जानने वाले हैं, वो थोड़ा सा बाद में करेंगे। कुछ वीडियोज आप देख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, FAQs हैं। तो ये FAQs एक बार हम ब्रीफ में देख लेते हैं। यूथ के लिए देखेंगे हम तो कि आप एज ए यूथ, एज ए अकेडमिक इंस्टीट्यूट भी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बिजनेस के तौर पे भी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और रिसोर्सेज के तौर पे भी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। हम यहाँ पहले यूथ के बारे में देखेंगे और हमें फोकस यूथ पे ही करना है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम है उसके लिए शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम क्या होनी चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ है कि सेकेंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं जो कि यूजी कोर्सेज कर रहे हैं कॉलेज या इंस्टीट्यूट में, और उनके मिनिमम उन्हें उन्होंने मिनिमम 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं अपने पिछले वर्ष में, वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अब फिलहाल तो ये ही केवल जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो हिस्सा बन सकते हैं। कुछ टाइम के अंदर इसके अंदर जो नॉन स्टूडेंट यूथ है जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो भी इसमें एनरोलमेंट करवा सकते हैं और उनका प्रोसेस अभी जल्दी ही आ जाएगा। तो फिलहाल तो यूजी स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं, आने वाले टाइम पे इसमें जो नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, जो एजुकेशन में नहीं है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर की और एज की कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई कोई बाधा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आगे इसका थर्ड क्वेश्चन है, विल द बिजनेस प्रोवाइड एनी मोड ऑफ कन्वीनियंस अलाउंस फॉर रेसिडेंट टू द एस्टेब्लिशमेंट, क्या आपको खर्चा मिलेगा? नो, यहाँ पर आपको खर्चा अपना खुद ही बियर करना होगा। स्टूडेंट्स के लिए कोई स्टाइपेंड नहीं, कोई स्टाइपेंड आपको नहीं मिलने वाला है। बिजनेस का फील्ड जो है वो स्टूडेंट्स कैसे चूज कर सकते हैं, तो आपको पोर्टल पे जाना है, माई गव भारत पे, वहां पर आपको ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे पोर्टल के ऊपर, उनको सेलेक्ट करना है बिजनेस को और उसमें आप अपना क्लिक करके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने डिप्लोमा ITI 12th कर रखी है, क्या वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम का भाग बन सकते हैं? अभी ये प्रोग्राम केवल यूजी स्टूडेंट्स के लिए ही है, तो ITI डिप्लोमा 12th वाले फिलहाल इसमें भाग नहीं ले सकते। अब ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग वाला प्रोग्राम आपकी हेल्प कैसे करेगा? आपको एकेडमिक क्रेडिट्स मिलेंगे, जिसके अंदर आपका कुछ एकेडमिक क्रेडिट्स दिया जाएगा UGC के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। आपका कैंडिडेचर कौन वेरीफाई करेगा? तो आपका जो NSS ऑफिसर, प्रोग्राम ऑफिसर होगा नोडल का, वो आपका इसमें जो भागीदारी है वो चेक करेगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं तो क्या आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं? अभी तक ये यूजी स्टूडेंट्स के लिए ही है, फिलहाल PG वाले नहीं कर सकते। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में क्या प्रोसेस रहेगा? तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में जो स्टूडेंट है वो एक अपनी ब्रीफ रिपोर्ट लिखेंगे, कॉलेज में सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद में एक पोर्टल के ऊपर उसको अपना फीडबैक देना होगा। क्या कोई इंटरव्यूज होंगे एनरोलमेंट करने के लिए प्रोग्राम में? इस प्रोग्राम में आपको नाम लिखवाने के लिए कोई इंटरव्यूज होंगे? अब ऐसे कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया है और उन्होंने बिजनेस को ऑप्ट किया है, तो उनका जो बिजनेस है उनकी प्रेफरेंस प्राथमिकता के तौर पर उनको दिया जाएगा। क्या कोई फीस रहने वाली है इस प्रोग्राम में भाग लेने की? नहीं, कोई फीस नहीं रहने वाली। क्या आपको कोई सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद में? हाँ, अगर आप सेटिस्फैक्टरी अपना प्रोग्राम पूरा करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाएगा। अगर कोई और आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप इनकी जो हेल्पलाइन नंबर है उसके ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अब यहाँ पर कोई फीस आपको जमा करवानी होगी? अगर आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम में जाना चाहते हो तो नहीं, आपको कोई फीस नहीं देनी है। क्या माई भारत जॉब पोर्टल है? तो नहीं, माई भारत जो है वो एक जॉब पोर्टल नहीं है, ये युवाओं को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज जिसमें उद्योग, सरकार और जो गैर लाभकारी संस्थाएं होती हैं उनके साथ जुड़ने का एक मौका देने वाली है। तो ये इसका कुछ FAQs था, और इसके अंदर बेसिकली जो मेरे समझ में आया है वो ये है कि आप पूरे राज्य में, पूरे देश में जो इवेंट्स हो रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नेशनल यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नया स्किल्स सीख सकते हैं, कुछ नई औद्योगिक कलाएं सीख सकते हैं और लर्निंग सीख सकते हैं। उसके लिए आपको लॉग इन करना होगा। अब यहाँ पर एक और आप ये देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि द
रजिस्टर एज युवा पार्टिसिपेट इन इवेंट्स में करेंगे क्लिक हम, तो आपके सामने यहाँ पर फिल्टर बाय लोकेशन एंड ओपन इवेंट चूज टू अटेंड और पार्टिसिपेट, यहाँ कुछ और ऑप्शन आएंगे। उसके बाद अगर आप अप्लाई फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते हैं, इस पर टैप करते हैं, तो आपके सामने लोकेशन आएगी और आपको जो पार्टिसिपेट करना है उसके बारे में भी कुछ डिटेल्स आने वाली है। आइए एक बार इसमें लॉगिन कैसे करते हैं वो भी देख सकते हैं। ये इसके अंदर आप जो है बेसिकली लिंक की बात करेंगे तो एक बार वो देखते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो गई, नेशनल यूथ फेस्टिवल हो गया, बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स हो गए, सांस्कृतिक प्रोग्राम हो गए, और ये इसका कुछ रोड मैप रहने वाला है। अब हम बात करते हैं इसमें आप लॉगिन करेंगे, लेकिन लॉगिन से पहले अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आपको साइन अप करना होगा। सबसे पहले आप साइन अप पे टैप करेंगे, टैप करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर यूथ रजिस्ट्रेशन के नाम से एक लिंक आएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि आपको नए हॉराइजन चेक करने के लिए, अपनी लाइफ के अंदर एसेंशियल स्किल्स डेवलप करने के लिए, कौशल डेवलप करने के लिए, कौशल विकास के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहने वाला है। इसके अंदर आपका वॉलंटियरिंग यानी स्वयंसेवक के तौर पे काम कर सकते हैं, आपको अनुभव के तौर पे सीखने को मिलेगा, आपके कौशल के विकास की अपॉर्चुनिटीज रहने वाली है, नए कनेक्शन बनाने का मौका मिलेगा, और साथ में आपको जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है अपनी कम्युनिटी में वो लाने का मौका मिलेगा। अब आप यहाँ पर साइन अप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप अपना मोबाइल नंबर से कर सकते हैं या अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से कर सकते हैं। और साथ में ये तो यूथ के लिए है, आप अगर कोई बिजनेस है या यूथ क्लब है या एनजीओ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर हैं या फिर एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार हम ऐसा करते हैं, साइन अप करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम रजिस्टर विद मोबाइल नंबर से क्लिक करने की ट्राई करते हैं। तो जैसे ही आप साइन अप करेंगे, जो आप अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिखना होगा। मोबाइल नंबर लिखने के बाद में आपको जनरेट ओटीपी पर टच करना है, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ लिखना होगा। उसके बाद अपना फुल नेम डालेंगे, उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, सबसे पहले डेट ऑफ डेट डालेंगे, फिर मंथ डालेंगे, फिर ईयर डालेंगे, उसके बाद आपको अपना मेल फीमेल या जो भी यहाँ पर आपका जेंडर आता है, मेल फीमेल पुरुष या नर जो भी है वो आता है, वो यहाँ से लेने के बाद आपको यहाँ पर टैप करके वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करते आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, एक पासवर्ड आपके पास ऑलरेडी है, अपने मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाया है या ईमेल आईडी से अकाउंट बनाया है वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो अकाउंट बन चुका है उसको साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालना होगा, अगर आपने यूजर नेम से बनाया है या जिस भी तरीके से आपने अकाउंट बनाया है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो आपने मोबाइल नंबर से एक बार चेक कर लेना है, मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको आपके पिन यहाँ है, अगर आप पिन भूल गए तो यहाँ से आप पिन भी जनरेट कर सकते हैं, कोमा करके आप साइन इन कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमारे देश के 15 से 29 साल के जो युवा हैं वो इसमें अपना कौशल विकास कर सकते हैं, औद्योगिक चीज़ें सीख सकते हैं, कल्चरल इवेंट्स या सांस्कृतिक प्रोग्राम्स में भाग ले सकते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट विजिट कर सकते हैं और साथ में अपने कनेक्शंस गवर्नमेंट बिजनेस और एनजीओस के साथ इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये एक प्रोग्राम था, जो इवेंट या एक वेबसाइट थी जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपके वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करें, और ये वीडियो जो है आप अपने जो फ्रेंड सर्किल है, ग्रुप है, अलाइक थॉट वाले जो लोग हैं उनके साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। आप मिलकर ग्रुप में इन चीज़ों का इंजॉय कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। ये सेल्फ ग्रोथ रहने वाली है, ये देश की ग्रोथ रहने वाली है। जय हिंद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं स्किल यूथ गुरुकुल के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। प्लीज़ वीडियो जरूर देखते रहें, शेयर करते रहें, चैनल सब्सक्राइब करते रहें, लाइक शेयर करते रहें। आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद।